Hello everyone, this is Devki Shetty and today we will learn about internal reconstruction. Now what is internal reconstruction? This internal reconstruction is made up of two words, internal and reconstruction. Internal means within and reconstruction means to construct again. This is a situation when company is incurring losses year after year, you will find that the balance sheet of the companies where internal reconstruction is required will show profit and loss account in the asset side of the balance sheet. Profit and loss account in the asset side means loss. Now, the company which is making losses will soon be closed. अगर कंपनी को ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस होगा तो क्या होगा, द एंड रिजल्ट विल बी दैट वी विल हैव टू शट डाउन द कंपनी एंड अगर ये कंपनी बंद होगा तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा. ऑल द स्टेक होल्डर हु आर सम और द अदर इंटरेस्ट ऑन द कंपनी हैव टू विल गेट नथिंग फ्रॉम द इफ द कंपनी क्लोजेस डाउन. देयरफॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी डिसाइड कि जहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ कुछ तो मिले. So they are ready to make a sacrifice and at that point internal reconstruction is carried out with the permission of the court. Now, next one, as I told you, this situation arises when company is making losses year after year and at that situation जिस कंपनी को ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस हो रहा है क्या उसका कोई रेप्यूटेशन रहेगा मार्केट में? जो पहले का रेप्यूटेशन है वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. सो गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल असेट्स बिकम यूजलेस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एस आई हैव टोल्ड यू विल बी सीन इन द असेट साइड विच सिग्निफाइज लॉसेस. एंड जब कंपनी को लॉसेस हो रहा है तब क्या होगा, सबसे पहले जितने भी सारे कंपनी के सेविंग्स होंगे, रिजर्व्स होगा, वो सबसे पहले यूटिलाइज होगा. नाउ टेल मी पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन एंड एट द टाइम ऑफ द कोविड विच वी आर फेसिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली द बिजनेस क्लास पीपल दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट देयर बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर दे बट स्टिल दे हैव टू पे देयर एम्प्लॉइज. अब कब तक पे करेंगे, पैसा होगा काम करेंगे, बिजनेस होगा तो प्रॉफिट होगा, बिजनेस नहीं होगा तो कहाँ से इनकम आएगा, प्रॉफिट आएगा. अब इनकम नहीं रहेगा तो कैसे एम्प्लॉइज़ को पे करेंगे, अपना खुद का पर्सनल एक्सपेंसेस कैसे बेयर करेंगे. सबसे पहले क्या होगा, एवरी वन लेट इट बी बिजनेस और लेट इट बी सैलरीड पीपल, जब इनकम ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, जितने भी सारे सेविंग्स होंगे वो पहले यूटिलाइज होगा. तो ये कंपनी जिसको लॉसेस हो रहा है ईयर आफ्टर ईयर, इनका भी सेविंग्स जो होगा वो तो अब ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस हो रहा है तो सेविंग्स तो सबसे पहले ख़त्म हो गया होगा. नाउ एट दिस टाइम देयर इज़ अ स्पेशल अकाउंट. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट करते हैं. दिस स्पेशल अकाउंट इज नोन एज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. दिस इज़ अ नॉमिनल अकाउंट which signifies कि nominal account का क्या rule है, debit all expenses and losses, credit all income and gain. तो हम जब internal reconstruction करेंगे तो वो situation में ये special account create होता है. ये special account में हम किसके point of view से सोचेंगे, we will think from the point of view of the company. When company is incurring a loss, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे. सेम वे व्हेन द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, सपोज कुछ प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को तो वो सिचुएशन में कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे. हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे. अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करेंगे, अगर कंपनी को लॉस होगा तो हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे. This, as I told you, this is a nominal account. If a company incurs a loss, capital reduction will be debited and profit then it will be credited, vice versa. And at the end, when we close this capital reduction account, what we do, the balance in the capital reduction account 90% times will be transferred to the
कैपिटल रिजर्व और इन अदर सिचुएशन द कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में टैली दैट इज डेबिट साइड विल बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड और एल्स वी विल सी दैट दिस इफ द कैपिटल डिडक्शन अकाउंट का क्या हुआ, डेबिट मतलब सब खर्चा, क्रेडिट मतलब सब इनकम। आप देखोगे कि डेबिट साइड हैवी है, डेबिट साइड हैवी है मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो ये एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा, तो वो प्रॉफिट दैट विल बी द बैलेंसिंग फिगर। एंड अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो कैपिटल डिडक्शन का क्या बैलेंस है वो क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द प्रैक्टिकल सम्स। नाउ सम बेसिक्स टू अंडरस्टैंड, वी नो दैट बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट and not a ledger account but still to understand we assume that assets is debit balance and liability is credit balance. So, ye liability, asset, capital reduction, income, expense ye sab kyun samajh rahe, because this chapter is based on journal entries. To understand the journal entries in a proper way we should understand this basic concept so that we will be able to prepare the journal entries by our own. And finally ye chapter mein journal entries hoga and balance sheet hoga. And like when asset increases we debit, मतलब क्या होगा अगर कैश हमारे पास आता है तो कैश क्या है, असेट या लाइबिलिटी, कैश असेट है तो हम असेट साइड में लिखेंगे, असेट कौन सा बैलेंस है, डेबिट। सो सेम वे व्हेन आवर कैश बैलेंसेस इंक्रीजेस वी विल इंक्रीज द असेट इन द कैश बैलेंस इन द असेट साइड एंड असेट इज अ डेबिट, तो असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और असेट अगर कम होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट का ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। तो ये असेट डेबिट बैलेंस है, और जब असेट बढ़ता है तो डेबिट, और जब असेट कम होता है तो क्रेडिट। एंड सेम वे व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस क्रेडिट, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस डेबिट। लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस जब बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। अब आप सोचोगे, आप अपने दिमाग में है ना लेजर के बारे में सोचो, हाउ इज द लेजर, आप 11th स्टैंडर्ड से यू आर डूइंग ledger, so you know you can, when I say a ledger what comes to your mind, a table which has on the left hand side has debit and the right hand side has credit, like, और हम जब balance sheet बोलते हैं तो क्या दिमाग में आता है, liability asset, तो जहाँ पे debit side होता है वहाँ liability और जहाँ पे credit side होता है वहाँ asset. But balance sheet is not a ledger account, balance sheet is a statement. So हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, asset को debit मानते हैं और liability को हम credit मानते हैं. So when asset increases debit, when asset decreases credit. Same way when liability increases credit, when liability decreases debit. So with this small introduction, today's session is over. I conclude with the today's session. We will meet next time with more sums, or we will take up with the journal entries in the next lecture. Till then, thank you so much, students.